नमस्कार, मैं राजकुमार कोरी सर्वोच्च दर्पण हिंदी न्यूज में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आइए चलते हैं खबर की ओर। जिले पटोरी थाना क्षेत्र के पटोरी बाजार स्थित एएनडी कॉलेज के समीप संचालित पंजाब नेशनल बैंक से संबंधित ग्राहक सेवा केंद्र से हथियार बंद बदमाशों ने पिस्टल के बल पर 21 अक्टूबर को 5 लाख रुपये की लूट कर लिया था। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए पटोरी डीएसपी रविशंकर प्रसाद ने पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर एसआईटी का गठन कर सीसीटीवी फुटेज को लगातार खंगाला एवं तकनीकी अनुसंधान के आधार पर अपराधियों की पहचान कर उनके गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही थी। इसी बीच कांड में शामिल हलई ओपी क्षेत्र के चक्कल लाज गांव निवासी महेश राय के पुत्र अनिरुद्ध कुमार हलई ओपी क्षेत्र के करनैल वाजिदपुर निवासी उमेश राय के पुत्र प्रियांशु कुमार लाइनर पटोरी थाना क्षेत्र के चक्रमण गांव निवासी छोटे लाल राय के पुत्र लाखों कुमार एवं लाइनर पटोरी थाना क्षेत्र के औरैया गांव निवासी रमेश परवेश राय के पुत्र राजू कुमार उर्फ लादेन को गिरफ्तार कर पुलिस ने राहत की सांस ली है। पुलिस ने गिरफ्तार अपराधी से घटना में प्रयुक्त एक देसी कट्टा, 4 मोबाइल, 1 बाइक एवं 8,500 नगद रुपए बरामद किया है। छापेमारी दल में शामिल पटोरी थानाध्यक्ष प्रवीण कुमार मिश्रा, मुकेश कुमार, पवन कुमार, मनोज कुमार, कृष्ण चंद भारती व गौरव प्रसाद शामिल थे। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि ग्राहक सेवा केंद्र के संचालक चंदन कुमार अपने ग्राहक सेवा केंद्र में बैठे हुए थे। उसी समय 3 की संख्या में आए बदमाशों ने पिस्टल के बल पर ग्राहक सेवा केंद्र के संचालक को अपने कब्जे में लेकर लूटपाट शुरू कर दिया। इस दौरान बदमाशों ने करीब 5 लाख रुपए ग्राहक सेवा केंद्र से लूट लिया। वहीं इस बाबत पूछे जाने पर पटोरी डीएसपी रविशंकर प्रसाद ने बताया कि पटोरी में एक ग्राहक सेवा केंद्र के संचालक से 5 लाख रुपए लूटे जाने की बात सामने आई है। समस्तीपुर से राशिद परवेज की खास रिपोर्ट। आज से 10 दिन पहले 21 तारीख को पटोरी थाना में एएनडी कॉलेज के पास रेलवे क्रॉसिंग के जस्ट क्रॉस करते ही पंजाब नेशनल बैंक का एक सीएसपी था, जिसका एक वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें 3 अपराधी दिखते हैं कि वो पंजाब नेशनल बैंक के सीएसपी में घुस रहे हैं और फिर हथियार के सहारे उन लोगों ने जो वहाँ पर बैंक कर्मी थे उनको बंधक बनाते हुए और जो भी कैश वहाँ पर था उसको लूटपाट की घटना गुजारा की गई थी। इस पूरी घटना में एसआईटी एसडीपीओ पटोरी के नेतृत्व में बनाई गई थी और इस घटना का उद्भेदन का प्रयास किया जा रहा था। तो 10 दिन के अंदर इस घटना का उद्भेदन इस टीम ने किया है। पूरी घटना स्पष्ट हो गई है। कुल 4 अपराधियों को इसमें गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से घटना में जो उपयोग हुआ था एक देसी कट्टा वो बरामद है। लूटी गई राशि में से करीब 10,000 रुपये के आसपास बरामद है। इस घटना में जो मोटरसाइकिल उपयोग की गई थी वो बरामद है और जो 4 मोबाइल लोगों ने उपयोग किए थे इस घटना को पारित करने के लिए वो मोबाइल भी बरामद हुए हैं। जब ये घटना हुई तो FIR दर्ज करके SIT बनाई गई। तो SIT ने जब अपना अनुसंधान प्रारंभ किया तो SIT ने सबसे पहले बैंक के अंदर जो CCTV फुटेज जो वायरल हुआ था CSP का, उस फुटेज का अवलोकन किया और उस फुटेज के आधार पर अपराधियों को चिन्हित किया। चिन्हित करने के बाद अपराधियों के आने जाने का रूट भी हम लोगों को पता चला और साथ ही टेक्निकल अनुसंधान भी हुआ, तो जिससे ये स्पष्ट हो गया था कि यह पूरी घटना अनिरुद्ध कुमार नाम का अपराधी है, जो कि चक जलाल का है, थाना ताजपुर हलई ओपी का, और साथ ही अपराधी रंजय कुमार अनिरुद्ध कुमार ये एक गैंग था जिसके द्वारा ये घटना की जा रही थी। ये लोग पहले भी लूटपाट की घटना में जेल गए हैं और कुछ दिन पहले ये लोग जेल से निकले थे। इन लोगों के द्वारा जनवरी और फरवरी में पटोरी थाना में कुछ मोटरसाइकिल लूट की घटनाएँ भी की गई थी, उनमें भी इन लोगों के द्वारा अपनी संलिप्तता स्वीकार की गई है। अनिरुद्ध कुमार, प्रियांशु कुमार, लाखों कुमार और राजू कुमार और फ्लादिन, इन 4 लोगों ने इस घटना को कारित किया था और इसके अलावा 2 और अपराधी हैं इसमें जो शेष हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए भी टीम प्रयास कर रही है। और CSP संचालक के साथ जो मारपीट कर काउंटर में जो पैसा रखा था उसको लूटा गया था। तो 4 अपराधी गिरफ्तार हैं। घटना में प्रयोग एक देसी कट्टा और 2 कारतूस, लूटी गई राशि में से कुछ राशि बरामद है, 1 बजाज डिस्कवर मोटरसाइकिल बरामद है और 4 मोबाइल बरामद है। इस पूरी घटना में इंस्पेक्टर मनोज कुमार पटोरी, इन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है, इनको अलग से रिवॉर्ड दिया जाएगा। और SDPO पटोरी के नेतृत्व में पूरी घटना का उद्भेदन हुआ है। सिपाही अरविंद कुमार और सिपाही केशव कुमार DIU से, इन लोगों का भी बहुत महत्वपूर्ण रोल इस घटना के उद्भेदन